अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम खिले हुए चावल का पुलाव बनाने जा रहे हैं और आइए देखें हम कैसे बनाते हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमने इस गिलास से एक गिलास चावल इसके अंदर डाल दिया था और हमने 10 मिनट भिगो दिए, पानी में भिगोए हुए हैं। और एक इसमें 1.5 गिलास पानी है, यही गिलास से हमने मेजरमेंट करके पीने वाले पानी से ये 1.5 गिलास पानी ले लिया और आधा हमने नींबू ले लिया और 1 चम्मच हम ऑयल लेंगे डालने के लिए चावलों में। आइए शुरू करते हैं, हम गैस जलाएंगे पहले, हम फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम चावल डालेंगे। अब हमारा पानी थोड़ा गुनगुना हो गया, अब हम चावल डाल देंगे। ये कुकिंग ऑयल डालेंगे, आधा नींबू डाल देंगे, इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। इसको बंद करते हैं, फिर एक सीटी बज जाएगी तो दूसरी आने पर हम बंद कर देंगे। कुकर की सीटी दो लग गई है, अब हम ढक्कन उतारेंगे। चावल अच्छे बने हैं, काफ़ी अच्छे बन गए और 10 मिनट में बन गए हैं। अब हम प्लेट में निकालेंगे, हमारी काफ़ी अच्छे बन गए हैं। कुकर में हमने 2 सीटी लगवा ली थी, अब हमारे चावल खिले खिले बन गए हैं। आप भी बनाइए और अपने परिवार के साथ मिलजुल के खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।